अपने देश से निष्कासित हो चुके पाकिस्तानी कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने 10 जनवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक 26 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया। ये इमरान खान के किसी भाषण का एक हिस्सा था। आप ट्वीट किया हुआ पूरा वीडियो देखें। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है, तो आज जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई। भारत में 73 साल की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई जो आज है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनकीद कहा। अगले ही दिन कॉलमिस्ट शेफाली वैद्या ने यही वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताने की कोशिश की कि भारत का शत्रु ही सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर रहा है कि भारत में 73 वर्षों में ऐसी मजबूत और लौह इच्छा शक्ति वाली सरकार नहीं आई। वायरल हो रहे इस वीडियो में 92 न्यूज का एक लोगो दिखता है। ऑल्ट न्यूज ने यूट्यूब पर 92 न्यूज सर्च किया और हमें पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल 92 न्यूज HD मिला। हमने इसके सभी वीडियो खंगाले और पाया कि वायरल वीडियो इसी चैनल के एक न्यूज बुलेटिन का हिस्सा है। ये बुलेटिन वो सेगमेंट था जिसमें सिर्फ सुर्खियां बताई जाती हैं। इसी में इमरान खान के भाषण का 20 सेकंड का हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन एंकर ने इसका संदर्भ स्पष्ट किया है। आप इस बुलेटिन में इस खबर से जुड़ा हुआ पूरा हिस्सा देखें। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है, तो आज जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। भारत में 73 साल की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई जो आज है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनकीद कहा। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने भारत की जाली साइट्स का भांडा फोड़ दिया जिसे वो प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद हमने इमरान खान की स्पीच का पूरा वीडियो ढूंढा। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। आप इमरान खान की पूरी बात सुनिए। एक आपकी पता नहीं कितनों की नजरों से गुजरा, यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब, उन्होंने इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान ने फेक साइट्स, मीडिया साइट्स बनाई हुई थी कुछ 700, जिसमें उन्होंने मरे हुए लोगों के नाम पे भी न्यूज़ आइटम्स उनके नाम से भी देते थे, फिर अखबारों के फेक अखबार बनाए हुए थे। और उसका सिर्फ सबसे ज़्यादा मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक बुरी नज़र में दुनिया में पेश करें। इसी स्पीच में आगे चलकर वो हिस्सा भी मिला जिसे वायरल करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान भारत सरकार की ताकत की प्रशंसा कर रहे हैं। जो अगर आज कभी भी पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की ज़रूरत है, तो आज ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। यानी 26 दिसंबर के एक न्यूज बुलेटिन का हिस्सा शेयर करते हुए गलत दावा किया गया कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार की तारीफ की है। पूरा वीडियो देखने सुनने पर मालूम चलता है कि इमरान खान ने असल में मोदी सरकार को तानाशाह और एंटी मुस्लिम कहा था।